हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 14 उसकी एक्सरसाइज 14.5 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, विद PQ ऑफ लेंथ 6.1 सेंटीमीटर एज डायमीटर ड्रॉ अ सर्कल। हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है, लेकिन उससे पहले उन्होंने हमें क्या बोला है, विद अ PQ लेंथ 6.1, यानी कि पहले हमें जो है एक 6.1 लेंथ जो है 6.1 लेनी होगी हमें, जो कि सर्कल का डायमीटर बनेगा। उसके बाद हमें सर्कल ड्रॉ करना है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ पर सेंटर पॉइंट रख के जो है सर्कल ड्रॉ करेंगे? तो उसके लिए हमें पहले सेंटर पॉइंट जानने के लिए पहले हमें इसका जो है इस तरीके से आर्क लगा के हमें इसका जो है बाइसेक्ट करना होगा। जो भी हमारा यहाँ पे सेंटर पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो उससे जो है हमें सर्कल ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है एक 6.1 सेंटीमीटर एक डायमीटर ले लेते हैं। ठीक है, ये 6.1 हो गया। अब हम इसका जो है जो हमारा सेंटर, इसको नेम देना हमने PQ, पी और क्यू। जितना सेंटर होता है उससे थोड़ी सी कंपास हम ज़्यादा ओपन करेंगे और आर्क लगाएंगे दोनों साइड। इसी तरीके से जो है हम पी से लगाएंगे। ठीक है, अब जो है इससे क्या होगा कि इसका एक सेंटर पॉइंट आ जाएगा। इसको हम इस तरीके से अगर बाइसेक्ट करेंगे तो ये हमारा एक सेंटर पॉइंट आ जाएगा, जिससे कि हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। अब सर्कल ड्रॉ करने के लिए जितना यहां से लेके यहां तक पी तक, या फिर अब यहां से लेके यहां तक बीच में ओ, इसको नेम दे दीजिए, इतना कंपास ओपन कीजिए और आपका ये सर्कल ड्रॉ हो जाएगा 6.1 सेंटीमीटर डायमीटर का। ठीक है, ये आपका जो है 6.1 सेंटीमीटर डायमीटर का सर्कल ड्रॉ हो गया। तो इसको हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर सी। एक हमें सर्कल ड्रॉ करना है जिसका सेंटर पॉइंट हमें सी लेना है, एंड रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। उसका जो रेडियस है 3.4 सेंटीमीटर से हमें जो वो सर्कल बनाना है। ड्रॉ एनी कॉर्ड ए बी, उसके अंदर हमें एक कॉर्ड बनाना है। जैसे हमने ये मान लीजिए एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और ये जो हमारा सेंटर पॉइंट सी हो गया, ये हमने 3.4 लेना है। अब यहाँ पे हमें जो है एक कॉर्ड बनानी है ए बी। ठीक है, ये ए बी हो गई। अब कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। हमें ए बी जो कोड हमने बनाई है इसके ऊपर हमें एक परपेंडिकुलर बाइसेक्ट बनाना है और एग्जामिन करना है क्या ये सी पासिस थ्रू द सी, क्या ये जो हमने सेंटर पॉइंट सी लिया है इससे पास होके जो है वो निकल रही है इसके ऊपर से, ये हमें इसके अंदर एग्जामिन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले 3.4 सेंटीमीटर ले लेते हैं और एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये 3.4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया 3.4 और यहां से जो हम इसको, आप तो चाहे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, अगर हम नहीं भी करेंगे तो भी ये गलत नहीं है, लेकिन मैं यहां पे आपको एक रेडियस बना देती हूँ 3.4 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने क्या बोला है, इसका हमने सेंटर पॉइंट को नेम देना है सी। अब इसके बाद एक कोड बनानी है हमें, जैसे यहाँ पे हम बना लेते हैं, ये हमने बनाई इसकी एक कोड। ठीक है, इसको नेम देना है क्या ए और बी। अब इसके ऊपर हमें एक परपेंडिकुलर बाइसेक्ट बनाना है जो कि हमारा सी से पास होके निकलेगा, ये हमें चेक करना है। हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन कर लेंगे, एक आर्क ऊपर लगाएंगे, एक आर्क जो है हमारी यहाँ पे लगेगी नीचे, और इसी तरीके से एक आर्क हमारी यहाँ और एक इधर। ठीक है, अब जो है हम इसको ड्रॉ करते हैं।
तो ये हम देखेंगे कि ये हमारा जो है वो सी के ऊपर से ही जो है पास होके निकल रहा है, जो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्ट इसमें बनाया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है रिपीट क्वेश्चन 6, जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया उसी को रिपीट करना है। इफ ए बी हैपन टू बी अ डायमीटर, अब ए बी को जो है हमने डायमीटर बनाना है, ठीक है, 3.4 सेंटीमीटर हमने वो बनाया था ना, तो हम इसको 3.4 सेंटीमीटर से ही बना लेते हैं। सेम उसी तरीके से हमने करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था, बट हमने उसके अंदर जो कोड थी उसका हमने जो है बाइसेक्ट किया था। इसमें हमें डायमीटर ए बी लेना है और उसका बाइसेक्ट करना है। ये हमारा सेंटर पॉइंट है और यहाँ पे हम जो है एक डायमीटर ए बी ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया ए और बी। अब हमें इसका जो है बाइसेक्ट करना है। हाफ से थोड़ा सा ज्यादा ओपन कर लेंगे। अब ये भी जो है हमारा सेंटर से होके निकलेगा। इस तरीके से, ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। पहले हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है 4 सेंटीमीटर का। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर होगा। ड्रॉ एनी टू कोर्ड, उसके अंदर हमें दो कोर्ड जो हैं वो ड्रॉ करनी है। कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ दिस कोर्ड। अब इन जो हमने ये दो कोर्ड बनाई हैं इसके ऊपर हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्ट बनाना है, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से, ठीक है। अब जो इसका जो सेंटर पॉइंट है जहाँ से हमने ये सर्कल ड्रॉ किया था, ये हमारा वहीं पे आके जो है मीट होना चाहिए। तो उन्होंने पूछा है वेयर डू दे मीट, ये कहाँ पे मीट हो रहा है, तो हमारे ये सेंटर पॉइंट में आके जो है इस तरीके से ये मीट होना चाहिए। तो पहले हम इसको 4 सेंटीमीटर का जो है रेडियस ले लेते हैं। यहाँ पे हम सर्कल ड्रॉ कर लेंगे 4 सेंटीमीटर से। ठीक है, अब जो है हमें इसके अंदर दो कोर्ड लेनी है। एक कोर्ड हम यहां से ले लेंगे और एक कोर्ड जो है हम यहां से ले लेंगे। ठीक है, अब इसका जो हाफ है उससे थोड़ा सा ज्यादा कंपास हम ओपन करेंगे, यानी कि हाफ से थोड़ा ज्यादा, और एक आर्क हम यहां लगाएंगे और एक हमारी आर्क यहां लगेगी। इसको आप नेम दे दीजिए ए बी सी और डी। सेम हमारी ए से आर्क लगेगी। अब सेम जितनी कंपास हमने ओपन करी थी, एक इधर और एक इधर, इसी तरीके से जो है हम सी से लगाएंगे और एक इधर लगेगी, ऐसे हमारी यहां से एक डी से लगेगी। ठीक है, अब इसको जो है हम आपस में जो है ये जो हमने आर्क लगाई है इसको ज्वाइन कर देंगे। एक हमारी हो जाएगी ये, ठीक है, ये देखिए ये हमारी जो ये लाइन है ये सेंटर पॉइंट पे आ रही है। आप इधर से देखते हैं, हम इधर से भी देखिए ये हमारी जो है ये सेंटर पॉइंट पे आ रही है, ये हमारा सेंटर है। ठीक है, तो ये जो है हमारी सेंटर पॉइंट पे ज्वाइंट अगर होती है हमारे सर्कल के, तो इट मीन्स इट इज राइट। ये हमारा जो हमने फिगर बनाई है ये हमारी ठीक है, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट पे ही आके मिलनी चाहिए, तभी हमारा इट मीन्स ये फिगर हमारा ठीक बनेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 8 में हमें यही करना था। पहले हमें सर्कल ड्रॉ करना है रेडियस 4 सेंटीमीटर लेके, उसके बाद दोनों कोर्ड लेनी है, एक बार हमें इधर से आर्क लगानी है, एक बार बी से, ऐसे ही सी से और डी से, और उन दोनों आर्क को जो है ज्वाइन करना है और देखना है जो उन दोनों आर्क की जो लाइन आ रही है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, अगर वो ओ पे मीट हो रहा है सेंटर पॉइंट पे, तो इसका मतलब हमारा जो फिगर बना है ये ठीक है। हम लास्ट में ये लिख सकते हैं कि जहां पे ये मीट हो रहा है, क्योंकि उन्होंने हमसे क्वेश्चन ये पूछा था कि कहां पे मीट हो रहा था, लिखेंगे दीज टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स
मीट एट ओ द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लास्ट में मेंशन करना होगा। 9 है, ड्रॉ एनी एंगल विद वर्टेक्स ओ। हमें एक एंगल बनाना है इस तरीके से, ठीक है, और उसका हमारा वर्टेक्स क्या है, ओ। टेक अ पॉइंट ए ऑन इट्स आर्म, ये जो इनकी आर्म्स हैं इसकी एक के ऊपर आप ए ले लीजिए और एंड बी, और एक के ऊपर आप बी ले लीजिए, और अनदर सच डैट ए ओ, यानी कि ए ओ और ए ओ बी जो है ये दोनों इक्वल लेंथ ही होने चाहिए। ठीक है, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बायसेक्ट ए ओ एंड ए ओ बी, यानी कि इसके ऊपर भी एक परपेंडिकुलर बायसेक्ट बनेगा और एक इसके ऊपर भी बनेगा। ठीक है, लेट देम द मीट एट पी, जहां पे ये मीट होगा उसको हम नेम देंगे पी, इज पी ए, क्या पी ए, यहां से जो मेरा मीट होगा यहां से हम ए से इसको मीट करेंगे पी ए, और पी बी इसको भी हम मीट करेंगे पी बी। हमें बताना है कि इन दोनों की लेंथ जो है वो इक्वल है, सेम है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम एक एंगल बना लेंगे, मैं इसको ले लेती हूँ यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको अगर हम मेजर करके बनाएंगे तो ये थोड़ा ठीक बनेगा। मेजरमेंट से क्या है, इसके जो है ये सब इक्वल आएगा, फिर सब ये 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं हम यहाँ से। ठीक है, और 8 सेंटीमीटर ही हम यहाँ से भी ले लेते हैं, और थोड़ा सा इसको बड़ा बनाइए ताकि, क्योंकि इसमें ये हमने बाइसेक्ट करना है ना, तो थोड़ा सा ये दिखने में बड़ा बनाएंगे तो थोड़ा क्लियर नजर आएगा, छोटा बनाएंगे तो सब कुछ बीच में दिखेगा भी नहीं कि आपने कहाँ पे बाइसेक्ट किया है। अब इसके ऊपर हम दो पॉइंट ले लेते हैं, ये हमारा वर्टेक्स हो गया ओ। ठीक है, यहाँ पे हम मेजर करके जो है 6 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट ले लेते हैं ओ ए, और इधर से ही भी हम 6 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट ले लेते हैं बी। ठीक है, ये हमारा इक्वल हो गया ना, अब ए ओ और ए बी जो है उन्होंने बोला था इक्वल होना चाहिए, अब हमारा इक्वल हो गया। अब हम इसको बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करेंगे और एक आर्क हम इधर लगाएंगे और एक इधर, इसी तरीके से हम ओ से भी एक आर्क इधर लगाएंगे और एक इधर। पहले हम इसको जो है ए ओ को बाइसेक्ट कर लेंगे, ये हमारा ऐसे बाइसेक्ट हो गया। अब जितने हमने कंपास ओपन करी थी उतने से ही जो है हम एक आर्क इधर लगाएंगे और एक आर्क हमारी लगेगी इधर, ऐसे ही जो है हम बी से भी लगाएंगे एक इधर और एक इधर। ठीक है, यानी कि हमने एक आर्क लगाई ओ से और एक लगाई बी से। अब इसको भी जो है हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब जहां पे ये दोनों मीट हो रहे हैं उसको हमने क्या नेम देना था, पी, इसको हम नेम दे देंगे पी। अब पी से बी की लेंथ और पी से ए की लेंथ हमें देखनी है, क्या वो इक्वल आ रही है, तो हम पी से इसकी लेंथ देखेंगे, 3.5 आ रही है यहां से, इसको हम ऐसे ज्वाइन करेंगे। और अब हम यहां से देखते हैं तो यहां से भी जो है हमारी P से A की जो है वो 3.5 आ रही है। ठीक है, यानी कि दोनों हमारे ये इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, आप इसको डिवाइडर से भी चेक कर सकते हैं, तो वी चेक डैट PA इक्वल है PB के। ठीक है, तो आप इसमें यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 14.5 जो है फिनिश होती है। होपफुली आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करके बताइए वीडियो कैसा लगा आपको। इन वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन पे प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ जो है वो आपको मिल सके। थैंक यू।